ये सारा बॉम्बे में आजकल इतना ट्रैफिक हो रहा है ना, इतना महंगा गाड़ी बॉम्बे में लेके क्या मतलब है? काहे खता ऐसे चुलबुल से बुलबुल। व्हाट इज अप गाइस, दिस इज ऑसम एंड वेलकम टू डीप पॉकेट्स। और आज का व्लॉग होगा बहुत ही सुपर गाइस। आज का व्लॉग होगा 10 मिनट के अंदर ही बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत लंबे व्लॉग्स बनते हैं और उसकी वजह से देखने का मजा जो है वो किरकिरा हो जाता है। तो आज से मैंने डाइट चालू किया है और मैंने डाइट में जस्ट ब्लिंकिट से कुछ मंगाया, आपको दिखाता हूँ क्या मंगाया है। फटाफट देखेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे ऑफिस को। फ्रेंड्स, मैंने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया है डाइट के लिए और आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने उस दूध ऑर्डर किया है, मैदा ऑर्डर, मैदा नहीं है ये, सॉरी, जीरो मैदा ब्रेड, मतलब 100% होल व्हीट ब्रेड मैं यही प्रीफर करता हूँ और यही खाता हूँ। और मैंने कुछ एग्स ऑर्डर किए, आप देख रहे हो ये एग्स है। ओके, तो ये गाउट ही है। अब इसको देखते हैं, देखो अंदर कैसे ब्राउन है, एकदम स्मार्ट है दिखने में। और आप इसके ऊपर एक डिज़ाइन देख रहे हो, एकदम ब्यूटीफुल है। तो ये रहे दो ब्रेड्स, ये रहा एग्स जिसको मैंने मैश करके बनाया है, और ये रहा कॉफ़ी। आज के डाइट में इतना ही होगा ब्रेकफास्ट में, बढ़ते आगे। तो भाई आपको बताता हूँ कि जैसे कि अभी आपको पता है कि थोड़ा हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, तो आज साइकिल भी रिपेयर करने डालूंगा, रिपेयर मतलब कि सर्विस करने डालूंगा। पहले हवा भर लेते हैं इसमें, हवा भरने के बाद फिर इसको लेके जाऊंगा और सर्विस करने डालूंगा। तो जहाँ से मैंने साइकिल ली थी वो है ये सर्विस स्टेशन, और यहाँ पर मैंने अभी साइकिल मेरे सबमिट की है। अब वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद मुझे एक पर्टिकुलर कोटेशन देंगे और मैं निकलूँगा भाई ऑटो से, क्योंकि आगे जाके बाकी का काम भी करना है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बार बताता हूँ, एक टाइम ऐसा था कि भाई साइकिल मिलता था 2-2.5 हज़ार में, लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा कि आप मैंने मेरा साइकिल सर्विस को डाला है और सर्विसिंग का कॉस्ट कितना हुआ है, 2,000 रुपया। तो भाई 2,000 रुपया सर्विसिंग कॉस्ट हो चुका है। आप सोच सकते हो कि जिसमें पूरा साइकिल आ सकता था नया, अब सारा सिर्फ सर्विसिंग इतना कॉस्टली हो चुका है। तो बाइक चालू कर दिए भाई, अभी यह हुआ स्टार्टर स्टार्ट, निकलते हैं अभी राउंड लेने के लिए। थोड़ा अंदर के गली से गाड़ी लेता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हाँ, आप थोड़ा मज़ा आएगा ना भिड़ू, एकदम बढ़िया वाला मज़ा आएगा। एक काम करते हैं, इधर तो भाई लोकल में घूमना अच्छा नहीं है, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट मिलते हैं हाईवे के ऊपर। आपको भी वीडियो देखने में मज़ा आएगा जब हाईवे के ऊपर होगा, रहूँगा मैं तभी। ऑफिस का काम दिन भर करने के बाद बहुत थक जाता हूँ, तो आता हूँ बैंड स्टैंड थोड़ा आराम करने के लिए। लेकिन अभी घाटकोपर से बार बार इतना दिन रोज आना, भाई टाइम नहीं हो रहा है। पैसा तो बहुत है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो अब सोच रहा हूँ कि इस साइड में घर खरीदूँ, तो फटाफट भाई मेरे लिए दुआ करो कि मैं इस साइड में जल्दी से जल्दी घर ले सकूँ, ताकि फिर आने जाने का टेंशन कम हो जाएगा मेरा। तो दोस्तों, आज बॉम्बे में ना एकदम सुपर सा ट्रैफिक है। मैं जब बाहर निकला तो बॉम्बे दर्शन के लिए, तो बॉम्बे दर्शन के लिए जब निकला भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक। अब मैं रिटर्न घर पे जा रहा हूँ और टाइम हो चुका है, आपको बताता हूँ 9:14 और अभी ट्रैफिक थोड़ा लूज़ है, क्योंकि बॉम्बे के अंदर जब जा रहा था तो बॉम्बे के अंदर जाते हुए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और अभी बाहर जा रहा हूँ मतलब घर की तरफ तो इतना कुछ ट्रैफिक है नहीं। होपफुली आगे भी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, तो मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में और भगाने में। थोड़ा बहुत रोड खाली मिल चुका है और गाड़ी भगाने का मज़ा चालू हो चुका है। ये हो गई कैमरा सेटिंग और निकलते हैं अभी फास्ट फास्ट। दे दो भाई जगह, दे दो थोड़ा तो जगह दो। ये सारा बॉम्बे में आजकल इतना ट्रैफिक हो रहा है ना, इतना महंगा गाड़ी बॉम्बे में लेके क्या मतलब है, जब तुमको गाड़ी चलाने मिल रहा नहीं है, गाड़ी भगाने के लिए बॉम्बे के बाहर ही जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि बॉम्बे में तो भाई तुमको जगह मिलना है पॉसिबल नहीं। देखो मिल गई जगह थोड़ी, ये हो गया भगाना चालू। मस्त, थोड़ी भी जगह मिलती है तो भाई भगाने का मज़ा आता है, लेकिन कैसे जगह मिलनी तो चाहिए पहले, अगर जगह मिलेगी तो ही मज़ा है। ये रहा भाई जियो वर्ल्ड ड्राइव अपने राइट साइड में, ये जो सामने चमक रहा है इतना कांच का, वो है जियो वर्ल्ड ड्राइव। और अब पहुंच चुका हूं मैं जियो वर्ल्ड ड्राइव के एग्जैक्ट बाजू में, राइट साइड में आ रहा है जियो वर्ल्ड ड्राइव। इतना महंगा जगह लेके रखा है भाई अंबानी जी ने। जी अंबानी जी,
तो दोस्तों अभी मैंने वर्कआउट चालू किया है और वर्कआउट चालू करने के बाद आपको बताता हूँ मेरा बॉडी वेट जो है अभी वो है 80 kg बराबर 80 किलो है और मैं चाहता हूँ 80 से 65 kg लेके आओ डायरेक्ट मतलब ऑलमोस्ट मैं 15 किलो कम करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे 80 किलो बहुत ज़्यादा लग रहा है और 65 मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाइट के हिसाब से 5-10 हाइट है मेरी 5-10 हाइट के हिसाब से 65 में मैं एकदम बराबर पतला दिखूँगा और बेहतरीन हैंडसम दिखूँगा और तो वही एक मेन चल रहा है काम। तो अभी जैसे कल साइकिल आएंगे तो साइकिल के ऊपर मैं कुछ व्लॉग्स बनाऊँगा भाई। डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, आप जब सब्सक्राइब करते हो तो मेरा थोड़ा हिम्मत बढ़ता है व्लॉग्स बनाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि कंटेंट में कुछ डेवलपमेंट चाहिए, ये डेवलप कर सकते हैं, वो डेवलप कर सकते हैं, तो आप मुझे सजेशन बता सकते हैं कमेंट में कि ऑसम भाई ये कि ये इसे डेवलप करो, उसे डेवलप करो। आई विल अप्रिशिएट कि अगर आप मुझे सजेशंस देंगे। तो बॉम्बे में जितना ज़्यादा खतरनाक ट्रैफिक है, ट्रैफिक के आप देख रहे हो यहाँ पर वो बता रहे हाई बीम चालू हो चुका है। इसका मतलब कि है ना, जो देखो हाई बीम चालू है मतलब कि है ना, अब गाड़ी का इंजन पूरा का पूरा टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। ऐसा तभी होता है जब भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और सुपर बाइक को भाई हवा नहीं मिल पाती ठीक से, तो हवा नहीं मिलती इसकी वजह से वो एकदम इंजन नेक्स्ट लेवल गर्म हो जाता है। जब नेक्स्ट लेवल गर्म होता है तो फिर आप तो समझ सकते भाई कि कितनी गर्मी छोड़ता है ये। ज़रा ऐसा खुला रास्ता मिलाना तो क्वालिटी हवा आती है और क्वालिटी हवा से भाई थोड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि सुपर बाइक से बहुत ज़्यादा गर्म होता है और गाड़ी को भी मज़ा आता है और मुझे भी मज़ा आता है अगर रोड खुला मिले तो। हालांकि बॉम्बे में ऐसा खुला रोड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेट इट भी जितना मिल रहा है उतना ठीक है क्योंकि इतना मिलना भी अच्छी बात है। वाह खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसी शानदार शॉट के साथ ये गाड़ी उतर चुकी है ब्रिज के नीचे। पता नहीं यार ये गाना सुबह मैंने कहाँ पर सुना है और वो अभी दिमाग में मेरे घूम रहा है कब से। गाना है वो काहे खता ऐसे चुलबुल से बुलबुल, साला ये पांडे जी का गाना है ना, मेरे दिमाग में ही घूम रहा है सुबह से और इतनी लाइन घूम रही है पता नहीं क्यों और कहाँ पर सुनी मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसा आपके साथ कभी होता है क्या? अगर होता है तो बताइए मुझे, या फिर मेरा व्लॉग देखने बाद यही लाइन दिन भर आपके भी दिमाग में घूमेंगी। आज ये जो अपर बैक है भाई ये बहुत ही पेन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया होगा तो बता दो क्योंकि गर्दन पूरी ऐसी घूम नहीं रही है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। और ऊपर से हेलमेट पहनने के बाद जो हेलमेट है वो बहुत ही ज़्यादा वजन है, एक छोटा हेलमेट लेने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ साथ ये ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक्स वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।